हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेस में। दोस्तों यदि आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, यदि आप बी फार्मा कर रहे हैं या आप डी फार्मा कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये सिर्फ आपके लिए वीडियो। दोस्तों फार्मास्यूटिक्स सेकंड का पेपर जो है वो डिप्लोमा सेकंड ईयर के अंदर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का पेपर। देखो पहला ही पेपर होता है, यदि मैं बात करूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी की, पहला ही पेपर फार्मास्यूटिक्स का होता है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हर साल रिपीट होते हैं। दोस्तों जो RUHS यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मेसी के अंदर फिक्सेज होते हैं लगभग लगभग, और वही क्वेश्चन बैक के जो एग्जाम होते हैं, अदरवाइज आपके मेन एग्जाम होते हैं, उनके अंदर रिपीट होते हैं। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनको आप पढ़ के चले जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप 75 से अबाउट मार्क्स लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लगभग कई बार 6 आ जाते हैं, कई बार सॉरी 7 आ जाते हैं, कई बार 8 आ जाते हैं। तो आपको 7 में से 5 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं। यदि आप मीडियम लेवल स्टूडेंट हैं तो आपको इस प्रकार का कंटेंट पढ़ना है। देखो दोस्तों पढ़ते हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन क्या पढ़ना है यह हर किसी को नहीं पता होता है। लेकिन यदि आप इस क्लास से जुड़ चुके हैं तो आप, मैं ये चाहूंगा कि इस क्लास से आप पूरा आउटपुट लेके जाएं, ताकि आप जो क्वेश्चन के अंदर जो माइंड सेट आपका रहेगा पेपर क्वेश्चन एग्जाम के दौरान, वो आपका बिल्कुल वही माइंड सेट रहेगा जो आप यहाँ पे आज यहाँ पे लेके जाओगे। तो दोस्तों सीधा अपन बात करते हैं बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन के ऊपर। जो आपका पहला चैप्टर है और पहला ही क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली बनता है वो है प्रिस्क्रिप्शन का। तो क्वेश्चन आपका आएगा डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन पहला ही क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिस्क्रिप्शन से पहला ही चैप्टर है। देखो रटना चीजों को इस प्रकार से समस्याओं का हल नहीं है। यदि एग्जाम के बिल्कुल कम डेज बचे हैं आपके पास, आप सीधा उठा के लग गए, इसको समझ समझ के पढ़िए। देखो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन भाई डॉक्टर की पर्ची, सबको पता है जो डॉक्टर की जो पर्ची होती है उसको अपन पर्ची जैसे बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका क्या होता है, एक प्रारूप होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, डॉक्टर अपने जो मेन कंटेंट आपको जो दवाई देगा वो क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो हिंदी के अंदर याद करने की कोशिश करो चीजों को, हिंदी में सीधो। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर तो, या उनको याद करने के अंदर, लेकिन जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है, लो लेवल स्टूडेंट है, मीडियम लेवल स्टूडेंट्स है, जो कवर करने में उनको कोई दिक्कत आती है, तो उनको डायरेक्ट रटना नहीं है, आप बिल्कुल हिंदी से सिक्वेंस से याद कीजिए। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रिटर्न ऑर्डर। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, इट इज ए रिटर्न ऑर्डर, कि एक प्रकार का रिटर्न ऑर्डर होता है बाई द प्रिस्क्राइबर, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, डॉक्टर के द्वारा, और किसके लिए, पेशेंट के लिए, फॉर द पेशेंट। ठीक है, पर्पज क्या होगा इसका, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन द मैन एंड ह्यूमंस, यानी सॉरी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी, उनके अंदर किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है, प्रिस्क्राइबर के द्वारा, और किसके लिए लिखा जाता है, पेशेंट के लिए। ये चीज आपको ऐसे ही मतलब इजी वे में आपको ध्यान रखनी है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के स्टार्ट करना है। प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले आप कॉपी बनाने का तरीका भी मैं इसी के अंदर डालूंगा। देखो आप जब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करो तो मेन हेडिंग आपकी यहाँ पे मिड के अंदर प्रिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करो, ऐसे मिड में लिखो, पेज जो आपकी कॉपी जो होती है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो इस प्रकार से आप लिखोगे इम्पैक्ट अलग पड़ेगा, ऊपर डालो क्वेश्चन नंबर एक, और क्वेश्चन सबसे पहले आपको वही करना है जो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से 100% आता हो, उसी क्वेश्चन को पहले उठाना है, और खासकर पहले पेज में तो आपको बिल्कुल एक भी काटा फांसी वहां पे नहीं करनी है। कोई भी वर्ड के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, हेजिटेशन हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट में लेके जाइए, लेकिन जो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस क्वेश्चन को ही आपको पहले लेना है। तो देखो आप यदि वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है तो नोट बे जिसका आप पांचवा क्वेश्चन उठाइए, और पांचवा क्वेश्चन का तो पूछ रहा है, जैसे कि पांचवा क्वेश्चन आगे आपको कुछ भी मिला, ठीक है, यानी मान लो जस्ट लाइक पांचवे पे आपको इमल्शन वगैरह वहां पे क्वेश्चन मिल सकता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, तो आपको मेन जो पूछा गया है टॉपिक उसको मेड के अंदर रखिए, इसको ब्लैक पेन से लिखिए, जो
जो आपका मेन जो टॉपिक है उसको ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखिए, देन आप यहाँ से आंसर लिख के और अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते समय आपको कोई भी वहां पे फेंका फाकी नहीं करनी है, आप इट इज ये वो आपको पहले पेज के अंदर मेन कंटेंट ही लिखना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन जो पूछा है सिर्फ उसी का आंसर। यदि आप क्वेश्चन को आंसर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप नए टर्म्स उसके अंदर डालते हैं, ओवर एक्टिंग अपन कर देते हैं कई बार क्वेश्चन को शुरू से ही फ्लो में ले जाने के लिए, वो मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। आपको पहले पेज के अंदर प्योर जो आंसर है, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब के अंदर रख के जाइए आप वो का वो छाप दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं इतना श्योर कह रहा हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज में बदल के लिखना है उसको, ठीक है, और आराम से लिखिए उस पूरे पेज को, फिनिश कीजिए अच्छे से, ठीक है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो देखो पहला क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन का, अब देखो प्रिस्क्रिप्शन जो आपका डेफिनेशन होगी, इसके बाद इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को आप अच्छे से याद कीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे पार्ट्स हैं, एज नेम सेक्स, ठीक है, मेन पार्ट्स इंस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन, तो इस मेन पार्ट्स है एक एक अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या है, किसके लिए है, जैसे एज पहला ही पार्ट की यदि मैं बात करूं, नेम एज सेक्स लिखा जाता है पेशेंट का, ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखिए कि क्यों लिखा जाता है, भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक ही नाम के पेशेंट बहुत सारे आ जाएं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, यदि नाम भी सेम हो तो उनकी एज का पता चलेगा, फिर सेक्स का पता चलेगा, तो ये क्या करें डिटर्मिनेशन ऑफ दी पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इस प्रकार से आप मतलब इजी वे में याद कीजिए। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन, तो मेन मेन पार्ट है कि यहाँ पे ये फर्स्ट होता है, मेन जो होता है जिसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, जो भी प्रिस्क्राइबर को एक एक लिखा जाता है, ड्रग मैन मैन ड्रग वो इंस्क्रिप्शन, देखो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक टॉपिक के अंदर बात करूंगा, तो आज का अपना जो फोकस है वो मेन क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा कि जो क्वेश्चंस आपको कौन कौन से एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन का इसके अंदर आपको ऐसे लिखना है स्टार्ट डेफिनेशन, फिर इसके पार्ट्स, और इसके कभी कभी इरर्स भी पूछ लेता है आपसे, इरर्स यदि क्वेश्चन 16 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है ये, कि भाई प्रिस्क्रिप्शन की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वहां पे, और इसके पार्ट्स पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, और इसके इरर्स प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, इरर्स मतलब यानी कौन कौन सी त्रुटि हो जाती है, कौन कौन सी मिस्टेक पाई जा सकती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे कि डॉक्टर से लिखने में दिक्कत आ जाए, फार्मासिस्ट पढ़ने में उसको गलत समझ ले, ठीक है, एक ही नाम के ड्रग सिमिलर ड्रग हो जाए, ठीक है, तो जैसे डिजोक्सिन है डिजिटॉक्सिन है, तो जो सिमिलर वर्ड जो नेम वाले जो ड्रग है उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाए, ये क्या है कुछ इरर्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं, जिनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल जो मेन टर्म है उसके ऊपर ध्यान रखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वो चीज आपको पढ़नी है, एक्स्ट्रा अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना, कुछ बुक वाइज कुछ नहीं रटना, जो आपको मेन है वो याद है तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि वो एक प्रकार का एरर है, और एरर के अंदर मतलब उसके डिसएडवांटेज ही होंगे, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने की, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है इस क्वेश्चन को, यदि अभी तक भी आपको याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, ठीक है, यदि मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो, अदरवाइज बुक के हिसाब से चलते जाओगे रटते जाओगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, समझ की चीजों को पढ़ो, ठीक है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना टाइम बिल्कुल कम है इसलिए ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है इनकम्पेटेबिलिटी पे, देखो क्वेश्चन आता है हर बार इनकम्पेटेबिलिटी, ये क्वेश्चन जो है ये काफी स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है, बिकॉज मैं भी अभी लास्ट ईयर इस फेज से निकला हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इस चैप्टर को बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो लेंथी चैप्टर है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, पढ़ने में थोड़ा आलस्य आ जाते होंगे आई नो, लेकिन आपको बिल्कुल मैं इजी तरीका बता देता हूँ इस चैप्टर को याद करने का, और जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी इस चैप्टर को काफी तो लोग छोड़ देते थे, केमिकल जो देखो अपन एक एक बात करेंगे, जो क्वेश्चन जो आता है ये भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे बैक का एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो। इनकम्पेटेबिलिटी देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ, कोई भी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, देखो इस प्रकार से इस टर्म का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है इनकम्फर्टेबिलिटी, यानी कि इनकम्फर्टेबल नहीं है मतलब कंफर्ट नहीं है, ठीक है, उसका अपोजिट है इनकम्फर्ट है, तो किस कौन किसके साथ अनकम्फर्ट है ये आपको तुरंत ध्यान में चल जाएगा। देखो क्वेश्चन जब आपके क्वेश्चन के ऊपर नजर पड़े तो उस टाइम आपका घूमना नहीं चाहिए दिमाग, आपका बिल्कुल उससे उसी में से आंसर निकालने की कोशिश करो, जैसे किसी ने कहा है कि भाई क्वेश्चन को समझ लेना ही आधा उत्तर है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखो इसको पढ़ोगे इनकम्पेटेबिलिटी यानी कि कोई ना कोई मिस्टेक वाली बातें यहाँ पे होंगी, अब मिस्टेक क्या होंगी भाई, कोई भी ड्रग होगा ठीक है, और उसके अंदर क्या हो जाएगी कोई भी
मिस्टेक हो जाएगी, यानी कि कोई इरर आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, तो यानी कोई इनकम्फर्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कोई त्रुटि आ जाएगी। इसका मतलब ही त्रुटि है, इनकम्फर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, त्रुटि, ठीक है, और किसके अंदर, ड्रग के अंदर। बस आप अपने हिंदी में आपको उसको समझ लिया, अब आप उसको लिख दो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके आराम आराम से, ठीक है। इसके अलावा ये डेफिनेशन हो जाएगी कि इसके अंदर क्या होता है, कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है वो हो जाती है, और ये कितने प्रकार की होती है, फिजिकल। ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है ना, स्टूडेंट्स इतना तो पढ़ लेते हैं, इनकम्फर्टेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली है, फैक्टर्स वगैरह टाइप भी याद रह जाएंगे सबके, फिजिकल इनकम्फर्टेबिलिटी, सेकेंड है केमिकल, और थर्ड क्या है दोस्तों, थेरापूटिक। अब यहां तक यदि ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली स्टूडेंट यहां तक पहुंच जाते हैं, केमिकल, फिजिकल, केमिकल और थेरापूटिक। देखो मेन मैं यहां पे बता देता हूं, देखो अपना जो ड्रग है, मैंने क्या बताया, ड्रग के अंदर त्रुटि हो रही है, उसको क्या क्या बोलेंगे, इनकम्फर्टेबिलिटी। देखो फिजिकल प्रकार की, यानी फिजिकली हो रही है, फिजिकली का मतलब यानी उसके अंदर इस उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसका कलर चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो इस प्रकार जो फिजिकल करेक्टर्स जो है हमारे फॉर्मुलेशन के, यदि वो चेंज हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल टाइप की इनकम्फर्टेबिलिटी। सेकेंड है केमिकल, भाई अपना जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर क्या हो जाए, केमिकली रिएक्शन हो जाए, ठीक है, केमिकली रिएक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इनकम्फर्टेबिलिटी। थर्ड वन थेरापूटिक, ये तीन प्रकार के सबको याद हो जाएंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन के अंदर वैसे मोस्टली पूछा जाता है, केमिकल भी आता है, आते सारे हैं, देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है अपने तरीके से, लेकिन जो मेन फोकस है वो फिजिकल के ऊपर है, जो नेक्स्ट अभी ये जो एग्जाम आने वाले हैं वहां पे पूरा पूरा चांस है फिजिकल इनकम्फर्टेबिलिटी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से लिखना, मतलब मैंने बताया जैसे कि ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल के अंदर चेंजेस वगैरह, तो ये सब आपको लिखना है उसके अंदर आसानी से, लगभग 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि इस हिसाब से आया तो ये आपके क्वेश्चन जो है तो वो बहुत आपके पासिंग मार्क्स के लिए अच्छा इन्वॉल्वेशन दे सकते हैं, और ये डेफिनेटली ये दोनों क्वेश्चन तो ये जरूर आएंगे। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है वो पोसोलॉजी का है, आपका तीसरा ही चैप्टर है ये पोसोलॉजी। चैप्टर पढ़ना एक अलग बात है, अब काफी लोगों की थिंकिंग हो रही होगी यार हर एक चैप्टर के अंदर मेन क्वेश्चन उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है, लेकिन आपको पढ़ना किस हिसाब से, आपको खुद को सोर्टलाइज उसको करना पड़ेगा, ठीक है, और खुद को आपको उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं, बिल्कुल मेन कंटेंट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वही पढ़ना है, ठीक है, और उसको पढ़ने के मैं तरीके डिफरेंट बताए हैं उसी हिसाब से पढ़ना है। देखो पोसोलॉजी जो है, पोसोलॉजी के अंदर बिल्कुल डेफिनेशन याद करो सीधा, पोसोलॉजी एक साइंस की, देखो जिसके पीछे लॉजी वर्ड लगता है मतलब इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, यू नो ऑलरेडी आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो तो आप देखोगे इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, इन विच वी आर स्टडी अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री की या मेडिसिन की हमारी फार्मेसी के अंदर जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, डोजेज फॉर्म की स्टडी करते हैं, डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। देखो इतना सिंपल इसका डेफिनेशन है और इसके फैक्टर्स आपको याद करने हैं। देखो क्वांटिटी अपन ड्रग की पढ़ रहे हैं किसके अंदर, पोसोलॉजी के अंदर, और क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है वो फैक्टर्स आपको याद रखने होंगे। अब फैक्टर्स देखो याद करना बहुत सिंपल है, जैसे एज के ऊपर, यदि आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपको खुद को ये सब फैक्टर्स वैसे भी बेसिकली याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि आप डोज दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को तो आपके मतलब क्या क्या क्राइटेरिया आप डिसाइड करते हो कि इस बेस के ऊपर मुझे मतलब कितना डोज देना है, क्वांटिटी कितनी देनी है, तो वो सब फैक्टर्स के अंदर पड़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों, और यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपके चेहरे पे तुरंत स्माइल हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, आपको डेफिनेशन लिखना है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। देखो इतना सिंपल आपका इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसके बाद में आपको फैक्टर्स लिखने हैं बस, फिनिश, यही है। लास्ट जो मैं जब मैं एग्जाम दिया था फार्मास्यूटिक सेकंड का, तो उस टाइम पे पोसोलॉजी का क्वेश्चन आया था 16 नंबर में, देखो कितना गोल्डन गिफ्ट हो गया है ना, तो देखो यही हुआ था, वहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वहाँ पे फैक्टर्स लिखने थे लगभग 8-10 जितने भी आपको याद है, पोसोलॉजी डेफिनेशन लिखनी थी 3-4 पेज, मतलब अच्छे से किया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी माइंडली बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको याद करनी है, फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल यार 10 मिनट में तैयार होने वाला बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसे मत मानिए कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, अच्छे से आप 10-15 मिनट में कवर कर सकते हैं।
ठीक है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आप वैसे लेके बैठ जाओगे, पढ़ते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, फिर तो वो पूरा दिन भी निकल सकता है। अदरवाइज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ोगे तो श्योर यार, खुद आप अपने दिल से पूछो कि इसको 15 मिनट में नहीं याद कर सकते क्या। मात्र आपको 7-8 फैक्टर याद करने हैं कम से कम, एज, सेक्स, ये तो सबको पता रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी इजी फैक्टर्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। वो वैसे वो चैप्टर जो आपका नेक्स्ट है वो पाउडर के ऊपर है, लेकिन अपना जो फोकस है वो मेन क्वेश्चन के ऊपर है। देखो दोस्तों, आपका जो मेन क्वेश्चन है आगे वो आपका इमल्शन से डेफिनेटली, देखो पास मार्किंग का मैं यहाँ पे फंडा एकदम बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। इमल्शन, इमल्शन और सस्पेंशन, ये आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो यार। इमल्शन और सस्पेंशन ये क्या है? बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। कौन कौन? इमल्शन और सस्पेंशन, दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। कहीं कहीं तो जब इसका स्टार्टअप लेते हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच इज विच हैव द टू फेजेज, ये वो। अरे यार, जब टू फेज हो गई उसके अंदर तो मोनोफेजिक कैसे रहेगा यार? मोनो का मतलब होता है वन, और डाई का मतलब होता है दो, या बाई का मतलब क्या होता है? दो। यानी जिसके अंदर दो फेज होंगी वो क्या कहलाएगा? बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब ये बाइफेजिक है यानी दो फेज इसके अंदर होंगे, तो दो फेज कौन कौन से होंगे इसकी अपन बात करते हैं। देखो एक तो ऑयल होगी, क्या होगी? वाटर। यदि मैं बात करूँ इसकी इमल्शन की, इमल्शन के अंदर दो फेज होती है, ठीक है, एक वाटर एक ऑयल। तो एक इसका क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, यदि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे भाई, तो ऑयल इन वाटर हो गया, एक वाटर इन ऑयल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इमल्शन हो गया, ठीक है। अब इमल्शन में देखो यार, पूरा चैप्टर जो है वो 16 नंबर लेके आता है। ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल इजी चैप्टर है। देखो डेफिनेशन आप अच्छे से कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कर सकते हो, यूजेज आपको पता है बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो टेस्ट याद करने में आती है। टेस्ट, टेस्ट ऑफ द इमल्शन, इसके टेस्ट, इमल्शन के टेस्ट, मैं उसको रफ कर देता हूं, प्लीज गिव द डस्टर। देखो अपन बात, हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे इमल्शन की, ठीक है। यानी जो इमल्शन से जो क्वेश्चन आता है वो आपके 16 मार्क्स में डेफिनेटली आता ही आता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। और यदि ये चैप्टर आपको याद होता है तो आपका सस्पेंशन वाला चैप्टर भी बिल्कुल ईजी हो जाता है। देखो अब इस चैप्टर को अपन कैसे ईजी करते हैं, देखो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन, इट इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच कंटेन टू फेजेज, मतलब कौन कौन से फेज हो गए? एक तो वाटर हो गई, एक ऑयल हो गई। एक तो भाई वाटर इन ऑयल, सॉरी ऑयल इन वाटर, और एक हो जाएगा वाटर इन ऑयल। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, टाइप्स हो गई, डेफिनेशन हो गई। आपका नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी टेस्ट, ठीक है, इमल्शन के टेस्ट, वो आपको याद करने हैं। चार टेस्ट है आपको, चारों टेस्ट आपको याद करने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आपके इमल्सिफाइंग एजेंट, पूरा चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपको यदि चैप्टर ये याद हो जाता है तो फिर सस्पेंशन वाला चैप्टर भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और यदि ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से याद है तो आपको पास होने के बिल्कुल बहुत ही मोर चांस हो जाएंगे, आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से 16 मिनिमम 20 मार्क्स का यहाँ पे कंटेंट आप मिनिमम मान के लेके चलो, मिनिमम है ये, इससे कम तो बिल्कुल नहीं आएगा। 20 मार्क्स का चैप्टर ये दोनों मिला के लेके चलो सबसे कम, यानी 20 का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो इमल्सिफाइंग एजेंट आपको ध्यान में रखने हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, यहां से आपको क्वेश्चन याद, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट है। इमल्सिफाइंग एजेंट होते क्या हैं? जो कि उसको स्टेबल बनाए, ठीक है, अपना जो फॉर्मुलेशन है इमल्शन है उसको क्या बनाए? स्टेबल बनाए, उनको क्या कहते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट। इनको इमल्सिफायर्स भी कहते हैं, आपको ध्यान में कंफ्यूज नहीं होना है, इमल्सिफायर्स भी इनको कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसी, जब आप ये इमल्सिफाइंग एजेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको एक अलग से टॉपिक मिलेगा, HLB मेथड, HLB हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोफाइल लिपोफाइल और बैलेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन HLB मेथड, क्वेश्चन आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन HLB मेथड, तो पूरा चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन याद करो, टाइप आपको पता है, टेस्ट इसके याद करो, इमल्सिफाइंग एजेंट आपको जितने याद हो उतने याद करो, बिल्कुल आसान है वैसे यार। क्लासिक वो जो टेबल है ना, उस टेबल को याद करना है आपको, पूरा क्लासिफाई उसको नहीं करना है, आप बिल्कुल ऐसे रट्टाफिकेशन की तरह चलते जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं है। जो टेबल है ना, उस टेबल को आप याद करो जो आपके उसमें बुक के अंदर दी गई है, वो टेबल जिसके अंदर सारे इमल्सिफाइंग एजेंट की चार्ट है, वो
वो फ्लो चार्ट आप उसको याद करो, बिल्कुल छोटा सा है, और उसके अंदर भी जो आपको नहीं याद हो रहे हैं तो ऐसे नहीं उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं, जितना याद हो रहा है उसको उतना करो, लेकिन मल्टीप्लाइंग एजेंट का ये क्वेश्चन आया तो खाली नहीं जाना चाहिए, 16 मार्क्स में तो आएगा नहीं, 4 नंबर या 8 नंबर में आएगा, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है मल्टीप्लाइंग एजेंट ये पढ़ोगे। इसके अंदर HLB मेथड देखो किस प्रकार के मल्टीप्लाइंग इमल्शन में, किस प्रकार का इमल्सिफाइंग एजेंट काम में लेना है ये डिसाइड कौन करेगा, HLB एक स्केल के ऊपर दिया जाता है, वो नंबरिंग होती है ठीक है, और उस नंबर के हिसाब से अपन देखते हैं इसका इतना स्केल है, इतने नंबर पे आ रहा है ठीक है, इसके लिए ये वाला लेंगे, तो इस प्रकार का मेथड है ये HLB मेथड, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे टाइम पे अभी पिछले लास्ट ईयर आ चुका है, कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, स्टेबिलिटी ऑफ सॉरी इमल्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन यानी जो क्रैकिंग वगैरह है ना वो इसके अंदर नहीं होगी, मतलब ये टॉपिक आएंगे इसके अंदर क्रैकिंग ठीक है, सेपरेशन उसका लेयर का अलग हो जाना ठीक है, यानी कौन से मतलब फॉर्मुलेशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई किसी भी चीज की कमी हुई होगी या किसी चीज की अधिकता हुई होगी तो अपने क्या देगा कुछ गलत गलत वहां पे क्या आएंगे उसके एक प्रकार से उसके करेक्टर्स दिखेंगे आपको ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर आपको ध्यान में रखना ही होगा दोस्तों, ये आपके पासिंग मार्क्स की तरफ आपको लेके जाएगा, अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ठीक है, तो इसके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये चैप्टर सिर्फ एक ऐसा है जो आपको हर एक पूरा पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है मैं पॉइंट क्वेश्चन वाइज पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं लग गई पूरा क्वेश्चन वाइज, एक एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलना है कि हाँ ये क्लियर हो गया अब ये क्लियर हो गया और वहां तक लास्ट तक जाना है, इसको आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग खींच सकता है ये चैप्टर आपका, लेकिन अच्छे से करना होगा आपको इसको क्योंकि पासिंग मार्क की तरफ यही लेके जाएगा। नेक्स्ट जो इसका भाई है वो कौन सा बताया मैंने, सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन से जो क्वेश्चन आता है वो जनरली तो भाई एक ही आता है ठीक है, और इसके कई बार देखो छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डिफाइन इमल्शन, डिफाइन सस्पेंशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इमल्शन एंड सस्पेंशन, क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं, तो कभी आप बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन देख की तरफ चलते रहो, आपको बेसिक बेसिक चीजें आप वहां पे गलत कर दो, भाई इमल्शन के अंदर क्या आपको मतलब डेफिनेशन आपको आती है तो दोनों के अंदर बिल्कुल सही बात है आप कह सकते हो डिफरेंस, लेकिन कई स्टूडेंट भाई मेरे को डेफिनेशन तो आती थी, मेरी डेफिनेशन इसकी भी आती थी लेकिन मैं डिफरेंस नहीं कर पाया, अगर डिफरेंस करने में वही चीजें आपको लिखनी होती हैं जो आपने यहाँ पढ़ी थी, एक तरफ फ्लो चार्ट बनाओ, एक तरफ वहां लिख दो, इन चीजों को इधर लिख दो, एक पॉइंट टू पॉइंट चलते चलो, एग्जामिनर का सीधा फोकस आएगा, आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा ठीक है। भाई सस्पेंशन जो होते हैं वो भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं ठीक है, जिनके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर घुले हुए होते हैं, उसके अंदर 2 फेज थी, एक तो उसके अंदर भी 2 ही थी, उसके अंदर क्या था, एक वाटर एक ऑयल, तो देखो ये चीजें आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट भी कर नहीं पड़ सकती है, दोनों लिख सकते हैं आप ठीक है। सस्पेंशन के अंदर आप छोटी चीजें भी प्रॉपर्टीज वगैरह भी यदि आ जाए तो भाई इनका पार्टिकल साइज फाइन होना चाहिए, इरिटेशन वगैरह नहीं करे, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल सही करने ही होंगे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो, क्योंकि बैक का जो एग्जाम होता है उसके अंदर तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार ठीक है, तो आपका फोकस का भी बिल्कुल मेन मेन क्वेश्चनों पर रहे, HLB मेथड वगैरह वगैरह, लेकिन आपका बिल्कुल ये छोटे क्वेश्चन आप प्रॉपर्टीज में वहाँ पे बात खा जाओ ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है, यदि आप पढ़ के रिवाइज नहीं भी करके गए वैसे छोटी छोटी चीजें आपको सबको याद रहेंगी आई नो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सस्पेंशन का जो क्वेश्चन आता है भाई वो आपका फ्लैकुलेटिंग और नॉन फ्लैकुलेटिंग के बीच में बहुत ज्यादा आता है, फ्लैकुलेटिंग सस्पेंशन 2 टाइप के होते हैं भाई, तो उनके अंदर भाई बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखते हैं अभी एक तो कौन सा, फ्लैकुलेटिंग और एक नॉन फ्लैकुलेटिंग, ये क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट होता है, इसके आपके इसको आपके ऊपर बहुत फोकस करना है, और याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, एक तरफ एक साइड का याद करो ठीक है, जैसे कि इसके अंदर नाइट्रोक्लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो पार्टिकल साइज होते हैं वो आपस में आएंगे और एक नाइट्रोक्लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है, इसके अंदर ये सेपरेट एंटिटी होगी ठीक है, सेपरेट एंटिटी मतलब अलग अलग दिखेंगे, मतलब नाइट्रोक्लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी ठीक है, इसका सेडिमेंटेशन सेडिमेंट जो है वो हाई रहेगा, इसका लो रहेगा, रैपिड होगा इसका, इसका लो रहेगा ठीक है, इसके अंदर मतलब रेडिस्पर्स जो है वो इजीली हो जाएंगे, इसके नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, याद करने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, तो ये क्वेश्चन है भाई, और यदि आपके सस्पेंशन के इमल्सिफाइंग सॉरी सस्पेंडिंग एजेंट पूछ ले तो उसमें भी लगभग वही आएंगे, इसके अंदर ट्रायगैन वगैरह वगैरह
जो वहां पढ़ के आओगे वही आएंगे। यदि आपको नहीं याद रहे तो आप वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। कुछ कुछ स्पेसिफिक है वो छोड़ देना, बाकी अदरवाइज सेम है लगभग दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार के आपका इमर्शन और सस्पेंशन जो 20 नंबर का कंटेंट है वो डेफिनेटली आएगा। तो इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन से आ जाएगा, क्वेश्चन इनकम्पेटेबिलिटी से आ जाएगा, पोस्टोलॉजी से आ जाएगा, इमर्शन सस्पेंशन हो गई, ये आपके पासिंग मार्क्स से ऊपर लेके जाएगा। यदि आपने अभी तक भी बिल्कुल भी आपने नहीं उठाया, अदरवाइज आपके टच में रहे हो गए आई नो, तो आप इजिली क्लियर सकते हैं। लेकिन आप इस कॉलेज नहीं गए कभी भी, आपने बिल्कुल फ्रेशर है इस सब्जेक्ट के लिए, तो आपको 2 दिन सफिशियंट है। 2 दिन में आपकी बिल्कुल अच्छे से जो टॉपिक मैंने बताए हैं क्लियर हो जाने चाहिए। इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर पास किए तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो दोस्तों आपने पढ़ के आई हुई वहाँ पे, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो मोनोफेजिक के अंदर देखो पूछता क्या क्या है। आपको फ्लो चार्ट तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी होती है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, लेकिन इसके अंदर भी इलिक्जर्स हो गए, ठीक है, लिंक्टस हो, सॉरी लिनिमेंट्स हो गए, ठीक है, लोशंस हो गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं मोनोफेजिक के अंदर वो कुछ ये भी आपको मतलब नाम से ही पता चल जाएंगी वैसे, लेकिन फिर भी देख लेना कि भाई कौन सा कहाँ यूज होता है, एक बार इतना ही देख लेना कि कौन सा कहाँ यूज होता है। इतना ही आपके सिलेबस में भी इतना ही दिया गया है अपने सिलेबस के अंदर, इसके अलावा कुछ इनका जो बनाने का कोई तरीका वगैरह ये कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। सिरप को देख लेना एक बार, सिरप ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मोनोफेजिक के अंदर बिल्कुल इजी इजी चीजें हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट और पेस्ट के अंदर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेस्ट एंड ऑइंटमेंट, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल जरूर पढ़ के जाना है, ताकि यदि क्वेश्चन यदि स्पेशल पेस्ट का आ जाए या ऑइंटमेंट का आ जाए तो आप उसके बारे में लिख सको। डेफिनेशन दोनों की यूज आपको सबको पता है यार, ये जो नाम से आपको जो पता चल रहा है इनकी यूज भी आपको पता है, ऑइंटमेंट का यूज, पेस्ट का यूज, फॉर्मुलेशन देखना किस किस से मिलके बनी होती है, और आपको पढ़ना ही क्या है इसके अंदर, मैं कौन कौन से इसके अंदर इसकी जो फॉर्मुलेशन है कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट यूज किए हैं ये देख लेना, प्रॉपर्टी देख लेना, यूज देखना कहाँ कहाँ होते हैं, बस ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इतना ही है इसका। इसके अलावा क्वेश्चन वैसे पीछे बहुत सारा है, एक आई वाला, आई ड्रॉप वगैरह, आई लोशंस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, यानी जो आपकी आई ड्रॉप्स हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल राइट शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, यानी जो ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन जिनको बोलते हैं ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट, तो ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट के अंदर आपको यही लिखना है। यदि क्वेश्चन आ जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट, तो आपको आई ड्रॉप्स के बारे में मतलब भी, और उनकी यूज क्या है, बस सिंपल सिंपल चीजें, भाई कचरा साफ करने के लिए तभी यूज कर रहे हैं आई प्रोडक्ट्स को, ठीक है, या इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो ये सिंपल सिंपल चीजें कॉमन सेंस लगा के आपको ये क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। पढ़ लेना, बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है आप सब जानते हैं उसके बारे में ऑलरेडी, ये भी पढ़ लेना है आपको। क्वेश्चन पीछे एक चैप्टर और है जिसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी आते हैं, वहां से शैम्पूज वगैरह हैं आपके, स्प्रे वगैरह, बॉडी स्प्रे, ठीक है, इसके अलावा जितने भी मतलब कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है वो सारा उस चैप्टर के अंदर दिया गया है, तो आप समझ सकते हो कितना इजी वहाँ पे क्वेश्चन यदि आया तो कितना इजी क्वेश्चन आएगा, सैंपल्स के बारे में आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा डिओड्रेंट्स वगैरह के बारे में आ सकता है, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन वहाँ से आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दोस्तों, यदि आप अभी भी आपकी तैयारी बिल्कुल कमजोर है तो भी, क्योंकि अभी आप शपथ लीजिए, लेकिन अब जितना हो चुका उतना हो चुका, लेकिन जो मैंने आज यहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं आप उनको उसी तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो सभी, प्रिपरेशन भाई हर कोई करता है लेकिन सक्सेस हर कोई नहीं होता है एग्जाम के अंदर, उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी, आपको बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करना है, पूरे दिन रात नहीं पढ़ना है, सिक्वेंस से पढ़ना है, जो चीज़ें अच्छे अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, अच्छे रिजल्ट आएंगे आई एम श्योर, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ऑप्थैल्मिक के अंदर तो आप वही तरीके लीजिए, बिल्कुल इजी इजी चीज़ें, ड्रॉप्स वगैरह लीजिए, लोशन लीजिए, तो इस हिसाब से इसको कीजिए, इसके यूजेस पढ़िए, कौन कौन सा कंटेंट उसके अंदर है वो चीज़ें पढ़िए, ऑइंटमेंट पेस्ट के बारे में पढ़िए, ठीक है। अब बीच में आपके जो चैप्टर रह गया है वो सपोजिटरी से रह गया है, यदि आप उसको भी देखना चाहें तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैंने ये जो क्वेश्चन बताए हैं यहाँ से पास मार्क्स से भी ज़्यादा आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप फिर भी, आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप 2 दिन में इसको कवर अप कर देंगे, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम बचे तो एक बार उनके ऊपर रिवाइज जरूर मार जाए, क्योंकि वैसे इतना श्योर है कि आपने शुरू के 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए, इमल्शन सस्पेंशन, प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टोलॉजी, इनकम्पेटेबिलिटी, लास्ट से ये ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट पेस्ट कर लिया, तो भाई साहब कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप फेल हो जाओगे, कभी भी कोई चांस नहीं है, आप अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन आपको ये सारे जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से तो आपको पढ़ना है, और उसी हिसाब से क्वेश्चनों को तरीके से लिखना है, और लिखने का तरीका मैंने बता दिया, अच्छा क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले आ रहा है,
ठीक है, जो सबसे अच्छा आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, बीच में टॉपिक डाल के उसको इस सिक्वेंस से, पूरे खिचड़ी नहीं बनानी है, टाइप अलग लिखने हैं, और उनका प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट लिख रहे हो, सेपरेट सेपरेट चीजें लिखनी है। यदि किसी क्वेश्चन के पार्ट में है तो उसको पार्ट सारे एक ही जगह लिखने हैं, ऐसा नहीं उसको ये पार्ट यहाँ कर दिया, बी पार्ट वहाँ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्वेंस एग्जामिनर यही चीजें इंप्रेस होता है देख के, ठीक है। आपका जो करने का तरीका, काफी स्टूडेंट्स कम आते हुए भी अच्छा स्कोर कर देते हैं, कई बार बहुत ज्यादा आते हुए भी खिचड़ी पका के वहां पर नंबर मात खा देते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको तैयारी हो गया, अपनी बात फार्मास्यूटिक्स सेकंड की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत कमिंग सून है, मेरे को काफी मैसेज आ रहे थे कि यार जल्दी वीडियो बनाओ सर, तो आपके जो नेक्स्ट फार्माकोलॉजी आपको ज्यादा दिक्कत कर रही है, ठीक है। फार्माकोलॉजी की वीडियो मैं बहुत ही जल्द डालूंगा, कल ही डाल दूंगा मैं, तो बैक टू बैक आपको वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी फार्मेसी से, तो थैंक यू सो मच। लेकिन यदि दोस्तों आपको वास्तव में लगा है कि ये कंटेंट जो है वो हमारे लिए पास मार्किंग के लिए बहुत अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस प्रकार के वीडियोज की और जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड भी, यदि कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड भी, इसके अलावा आप जिस भी प्रकार के प्रिपरेशन, यूपीएससी वगैरह, तो हाई लेवल तक की भी यहाँ पे प्रिपरेशन से संबंधित मटेरियल्स भी मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको बुक्स चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द देखे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।